नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा। खास बात में आज चर्चा करेंगे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को लेकर क्या कहा प्रधानमंत्री ने। मध्य प्रदेश में आकाश विजयवर्गीय द्वारा निगमकर्मी की क्रिकेट के बल्ले से पिटाई के मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी का भी बेटा हो, इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह का दुर्व्यवहार जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा पर आंच आए, जिससे पार्टी का नाम कम हो, स्वीकार नहीं होगा। ये सभी पर लागू है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने स्वागत किया है उन्हें पार्टी में रहने का हक नहीं है, सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले इंदौर नगर निगम का दल गंजी परिसर क्षेत्र में एक जर्जर मकान को गिराने पहुंचा था। इसकी सूचना मिलने पर भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की नगर निगम कर्मियों से नोकझोंक हो गई और आकाश ने नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई कर दी। इस घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था और आकाश को जेल भेज दिया गया था। बाद में आकाश की रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया था और फूलों से स्वागत किया था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद आकाश से जब इस पूरे मामले की बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो जनता की सेवा करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस घटना पर कोई अफसोस नहीं जताया था। दूसरी तरफ आकाश के पिता और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जहां इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ठहराया, तो वहीं आकाश और कमिश्नर दोनों को ही कच्चा खिलाड़ी भी बता डाला। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन इसे बड़ा बनाया गया। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि अधिकारियों को अहंकारी नहीं होना चाहिए, उन्हें जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए, दोनों को ही इस बात को समझना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस मामले पर बीजेपी सांसद प्रताप रूड़ी ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय वाले मामले को लेकर प्रधानमंत्री नाराज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, सांसद हो, अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक से व्यवहार करना चाहिए और ऐसे लोग पार्टी में नहीं होने चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने कैलाश विजयवर्गीय और उनके बेटे का नाम नहीं लिया। बीजेपी की संसदीय दल की इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के संज्ञान के बाद अब बात काफी आगे बढ़ गई है। आकाश विजयवर्गीय को पार्टी से निकालने तक की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी आकाश विजयवर्गीय पर क्या फैसला लेती है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।